एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद जो है मेरा ब्लॉग आ रहे हैं और अभी कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग आए मेरे। तो चलिए, मुझे अपने लिए बनाना है ब्रेकफास्ट, तो आप मेरे साथ अब बनी रहिए ब्लॉग के अंदर, तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और मैं आज ना पोहा बनाऊँगी। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं जो अपना डाइट है, का रूटीन है, वो बनाऊँ करती हूँ। डाइटिंग मतलब जो लेना चाहिए डाइट में प्रॉपरली, वो मैं मतलब कोशिश करूँगी कि मैं वो। और ये पैकेट है, इसके अंदर मैं ये फ्री निकला है पोहा मसाला जिसे बोलते हैं, वो साथ में निकला है। और सिंपल सा बनाऊँगी मैं, कुछ इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, जो भी मेरे पास है ना वो डाल के सिंपल सा बना ली थी अभी, क्योंकि मैं पीने वाली थी, मैंने चाय बना ली थी सिंपल। सुबह सुबह जो है खाली पेट चाय तो पीनी नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं पोहा बाद में सोच रही थी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा खा ही लेती हूँ खाली पेट चाय नहीं। तो चाय मैं एक ही बार पीती हूँ, चाय तो दो टाइम नहीं पीती हूँ मैं, लेकिन ये है कि खाली पेट चाय नहीं लेनी चाहिए इसलिए। और फटाफट से हम बनाएंगे अपना पोहा, सिंपल सा बनाऊंगी मैं। वैसे इसके अंदर जैसे जितनी वेजीज हो ना, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, उतना ही ये हेल्दी भी होता है और उतना अच्छा भी होता है। और वेजिटेबल्स वगैरह डाल के खाओ फिर पूरा जो है इससे हमें पोषण मिलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है ना मैं उसी में डाल के इसे बना लेती हूँ। तो फटाफट से जो है मैं प्याज वगैरह मुझे ना कच्ची मूंगफली लानी थी, लेकिन फिलहाल मैं नहीं लाई हूँ, मेरा मन नहीं था कुछ भी अभी ऐसे ट्राई करने का, तो थोड़ा सा ले लेते जितना मैंने खाना, ज़्यादा तो मैं नहीं, मन नहीं होता है, मतलब मैंने सोचा खाली पर चाय। और अभी जो ये कितना सा लिया, और ये जो पैकेट में आता है ना ये बहुत अच्छा होता है। मिर्ची नहीं ली मैंने, मंडी वगैरह गई थी, मिर्ची ले लेनी चाहिए थी, वो मैंने ली नहीं है अभी। और इसको हम कट कर लेते हैं, इसमें तो बस मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, अब मसाला ऐड करने के लिए बस रह गया। और ये मसाला है जो पोहे का, तो मैं जो है इसे डिब्बी में भर के रख रही हूँ अलग से, क्योंकि बीच में मिक्स ना हो। और ये जो मसाला है जो पोहे का, मैं इसमें ऐड कर दिया मैंने, और नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डाला। और टमाटर पे आ जाए, और अब बस मैं पोहा ऐड कर दूंगी इसके अंदर। तो वैसे जो है मैं थोड़ा बहुत जो है अपना एक्सरसाइज भी करती हूँ, और डाइट भी जो नॉर्मली खाना होता है उसी के साथ करने की कोशिश करते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, तो बस ये मैं पोहा लेकर आई हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में, ये मैंने सोचा खाया करूँगी। तो बस पोहा जो है मैंने, मेरा जो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बन गया है, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। और चाय जो मैंने पहले ही बना ली थी, बस अब जो चाय है उसको मैं सिर्फ गर्म कर रही हूँ। चाय मैंने बना ली थी और मैं पी रही थी, तो मेरा मन किया ही मैं कुछ खा लूँ फिर भी, तो मैंने ये बाद में मैंने सोचा था पोहा बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने साथ में ही बना लिया।
तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। वैसे मैं अदरवाइज़ सुबह कुछ भी नहीं खाती हूँ, ऐसे ही चाय पी लेती हूँ। तो लेकिन मैंने सोचा खाली पेट चाय भी अच्छी नहीं होती है। पहले मैंने रूटीन चेंज किया था, फिर बिज़ी हो गई थी, फिर बीच में टूट गया था, तो अभी मैंने अपना दोबारा से शुरू कर रही हूँ। तो बस मैं अपनी जो है चाय भी मैंने ले लिया, तो चलिए नाश्ता करने के लिए चलते हैं और आप लोग भी आइए कर लीजिए। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट जो कर रही हूँ, तो बस बहुत यमी और टेस्टी बना था। जो इसके अंदर मसाला दिया गया है पोहे का, वो बहुत ही मतलब कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर जो राई है वो भी है और खट्टा मीठा टेस्ट भी है, तो बहुत मतलब कोई मसाला अगर आप नहीं भी डालेंगे, नमक भी नहीं, तो यही ठीक था। तो मुझे ऐसा लगा थोड़ी मैंने हल्दी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी पोहे का सारा मसाला था, तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ बेडरूम के अंदर। तो बस जो मॉर्निंग के रूटीन होते हैं अपने घर के, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस जो है मैंने अपना ब्रेकफास्ट करते ही स्टार्ट कर दिया बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि इस रूम में सोते हैं और इस रूम का हाल हो जाता है बुरा, क्योंकि गर्मी है, वो वाला रूम कम यूज़ होता है जिसमें टीवी वगैरह देखते हैं। तो फिर मुझे ये होता पहले मैं इसी रूम को सेट कर दूँ, दोपहर को भी बच्चे इसी रूम में स्कूल से जब आते हैं इसी में बैठते हैं, हस्बैंड भी सभी। तो फिर क्योंकि दूसरा वाला रूम है उसमें सिर्फ फ़ैन है और उस रूम में गर्मी है, किचन के कारण उस रूम में गर्मी हो जाती है, तो इसी रूम में ज़्यादातर बैठना होता है। तो फिर मुझे ये होता है ये वाला रूम मैं जो है सेट कर दूं और साफ़ कर दूं। और काफ़ी दिनों से जो है ब्लॉग मेरे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से अभी मेरी कोशिश है कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग लाऊं। तो डेली मेरे मॉर्निंग के जो जैसे ब्लॉग आते थे सुबह सुबह, तो वैसे आए कोशिश रहेगी। तो देखते हैं, फिर भी मैं आज से शुरू कर लेती हूँ या कब, लेकिन ये कि ब्लॉग आया करेंगे। तो बस यही है। और यहाँ पर जो है मैंने जो बेड वगैरह सेट कर दिया, ये रूम सेट हो गया था। अब जो मैं उसमें झाड़ू वगैरह लगाने के लिए गई हूँ, और यहाँ पर इस रूम की मैंने सेटिंग वगैरह ना चेंज कर दी। इसमें जो गद्दे थे वो मैंने डबल बेड पे बिछा दिए, इस रूम में जो लगे हुए थे दो थे। और यहाँ पे सोफ़े वाला रूम, सोफ़े वगैरह सेट करके मैंने ऐसे बना दिया इस रूम को। तो जैसे भी है थोड़े दिन बाद मैं चेंज करती रहती हूँ, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है और सही भी लगता है। और मैंने जो कल बहुत कपड़े धोए थे और पूरे घर को भी जो है क्लीन किया था कि चलो अभी जितना मुझसे होता है, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कल का। जैसे इस रूम में से बहुत डस्टिंग की, इस रूम को बहुत ज़्यादा क्लीन किया, दूसरे वाले रूम में से भी मैंने बहुत जो है बेड के नीचे ना बच्चे खिलौने जैसे जूते चप्पल जो भी था सामान निकाल के बहुत मतलब कल मैंने काम किया, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई। अगर मैं वीडियो वैसे भी शूट करती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो फिर इस वजह से। तो बस यहाँ पर आप लोगों से बात करते करते जो है ये देखिए इस रूम में भी झाड़ू वगैरह लग गया है, और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। मुझे ये है कि फटाफट से मेरा जो है काम वगैरह घर के ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैं अपना जो कोई और काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने जो है वैसे भी घर की क्लीनिंग ये सारी कर दी, किचन अभी पड़ा हुआ है, तो पहले जो है मैं अपना बेडरूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ। सबसे पहले वही काम होता है कि बेडरूम वगैरह क्लीन हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैं बाद में अपना जो है क्या उसे बोलते हैं कि किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए बेडरूम में जो है मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, और अभी मैंने जो है ये वाला रूम रह गया लिविंग रूम, इसमें लगा दूँगी। तो बस ये वाला जो मेरा काम है ख़त्म हो जाएगा। मैंने कल डीप क्लीनिंग मतलब अच्छे से की थी, और पोछा भी है जो मैंने अच्छे से सारा कल लगाया था। अब जो मैं ये कर रही हूँ कि फटाफट से जो है कल क्लीनिंग अच्छे से हुई थी, तो अब मैं फटाफट से जो है अपने ये सारे काम ख़त्म कर दूँगी। पोछा वगैरह लग जाए, घर के सारे काम हो जाए ना, खुद को भी अच्छा लगता है। तो बस ये मेरा आज का ब्लॉग था। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को, नया तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं आपको जल्दी मिलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।